हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे MNIT इलाहाबाद के PhD के फॉर्म आ चुके हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो लोग PhD करना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि MNIT इलाहाबाद है उसका PhD का फॉर्म कैसे भरे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में देंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले हमारे चैनल पर IIT के प्रोफेसर ने अपना इंटरव्यू दिया था। उस पर उन्होंने ये बताया था कि हम PhD इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उसका इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था। तो वो वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत की लगभग सभी IITs और IISER के स्टूडेंट जो PhD स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी हमारे चैनल पर इंटरव्यू दिया कि हम अपने अपनी PhD की तैयारी कैसे करें। वो सारे चीजें भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए बात करें, MNIT इलाहाबाद के PhD का फॉर्म आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन ब्रोचर देख लें। इंफॉर्मेशन ब्रोचर को यहां से आप ओके कर दीजिए तो इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ब्रोचर को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से गलती होती रहती है और इस गलती का खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है। चलिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर को हम लोग पढ़ते हैं और आप भी इसको एक बार केयरफुली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक बार बता देता हूं, फिर भी आप एक बार अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए कि ये एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन दे रखा है, आप एलिजिबिलिटी सारी पढ़ लीजिएगा, जितने भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, सारी चीजें दे रखी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं मेन मेन चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च दे रखा है। जाहिर सी बात है, आपका रिसर्च ऑफ एरिया जो होगा उसी में PhD करनी चाहिए, जाहिर सी बात है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए आगे बताते हैं आगे, और मैं स्क्रॉल करूं इसको। सिविल इंजीनियर सिविल साइंसेस का दे रखा है, रिसर्च ऑफ एरिया दे रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का दे रखा है रिसर्च एरिया। अगर और आगे हम बढ़े, ह्यूमनिटीज का दे रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का, ये सारे रिसर्च एरिया दे रखे हैं, ठीक है। इसको पहले आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर ही आगे फॉर्म भरिएगा। और ये दे रखा है डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम अवेलेबल सीट इन डिफरेंट कोर्सेज कैटेगरीज टू बी अनाउंस शॉर्टली, वो अनाउंस करी जाएंगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, इसको फीस स्ट्रक्चर दे रखा है कि सेमेस्टर की फीस क्या होगी, मेंस फीस क्या होगी, ये सारी चीजें। जैसा कि अनअकैडमी भाई, एक बहुत अच्छी खबर न्यूज आई है, IIT जैम 2023 के लिए उन्होंने नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है। कब से स्टार्ट कर रहा भाई? 1 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहा है। किसका किसका? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का एक नया बैच चालू करने जा रहा है IIT जैन 2023 के लिए। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत के तुरंत इसका सब्सक्रिप्शन ले ले। मैं आपको बता दूं, मैंने भी IIT जैन क्वालिफाई कर रखा था, मैंने भी MSc IIT जोधपुर से कर रखी थी। मैं आपको बता दूं, तैयारी कर बहुत पहले से हो तो जो रैंक होती है ना उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो मैं अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्या होते चले जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे, तो आपकी रैंक बहुत बढ़ सकती है। प्रैक्टिस भी, हालांकि जो बहुत कम समय पर तैयारी करते हो उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो तो तुरंत के तुरंत इसका सब्सक्रिप्शन ले ले। सब्सक्रिप्शन के सारे लिंक मैं अपने वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम विवेक के 10 कोड का यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप विवेक के 10 का कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं जो आपको गाइड भी करेंगे और समय समय पर अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और समय समय पर अच्छी गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत के तुरंत सब्सक्रिप्शन ले ले रखिए। अब जो इंपॉर्टेंट बात आई, अप्लीकेशन प्रोसीजर देखिए, दे रखा एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सर देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ऑनलाइन। इस पोर्टल पर जाकर के आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। देयर इज 2 स्टेप, 2 स्टेप है, रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है, ये सारी चीजें आपको दे रखी है, इसको आप फॉलो करिएगा। और जो सेकंड स्टेप है वो ये सब चीजें दे रखी है, आप इसको पहले पढ़ करके फिर फॉलो करिएगा। जो सबमिशन फीस है, देखिए प्लीज पे द नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल फीस नॉन रिफंडेबल है, ₹1200 है उनके लिए और 600 SC ST PWD के लिए है, ठीक है। अब उसमें देख ले, फिल ऑल द डिटेल्स केयरफुली, ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नो चेंज इन द फिल डिटेल्स परमिटेड लेटर ऑन, ठीक है, बहुत ध्यान से भरिएगा, उन्होंने बता दिया बाद में चेंज नहीं होगा। और आगे बढ़ेंगे, ये एप्लीकेशन पोर्टल है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडमिशन क्राइटेरिया है, इसको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं, इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, इसको भी आप बहुत ध्यान से
पढ़ लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चाहिए। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। एडवर्टीजमेंट जो 22 नवंबर को आई थी, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 22 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। क्लोजिंग डेट क्या है, 21 दिसंबर है, 5 बजे तक। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट डेट दे रखी हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा तभी फॉर्म भरिएगा। चलिए मैं आपको बता दूँ फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सिंपल फॉर्म आप यहाँ पे होम पेज पे इसके चले जाइए, ठीक है। देखिए स्टेप 1 फॉर रजिस्टर दे रखा है, लॉगिन दे रखा है। तो सिंपल आप इसको रजिस्टर यहाँ से कर सकते हैं और फिर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, फिर ही उसके बाद फॉर्म भरिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, पहले बहुत ध्यान से आप फॉर्म भरिएगा, फिर उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये कॉन्टैक्ट अस दे रखा है इनका, आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ये मेल कर सकते हैं। तो पहले आप बहुत ध्यान से हर चीज़ पढ़ लीजिएगा, फिर इनका फॉर्म भरिएगा। हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल पर कॉम्पिटिशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती है और हर कॉम्पिटिशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है उनकी एडवाइस के लिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।